भारत रत्न गायिका लता मंगेशकर का आज 92 साल की उम्र में निधन हो गया है। लता मंगेशकर को कोरोना और निमोनिया के चलते 8 जनवरी को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लता मंगेशकर के निधन पर पूरा देश दुखी है। पीएम मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत देश की कई बड़ी हस्तियों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर लता मंगेशकर के निधन पर शोक व्यक्त किया और श्रद्धांजलि दी है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, शिवसेना नेता और सांसद संजय राउत ने भी श्रद्धांजलि दी है। उनके जाने से देश की भी हानि हुई है, संगीत क्षेत्र की भी हानि हुई है और पूरे विश्व में हमारे हिंदुस्तान को एक सम्मान प्रतिष्ठा देने वाली ऐसी वो गायिका थी। महाराष्ट्र के लिए, हमारे मुंबई के लिए, गोवा के लिए और पूरी तरह एक प्रकार से आके संस्कृति के साथ वो जुड़ी हुई थी। उनका जाना ये हमारे पूरे देश के ऊपर एक बहुत बड़ा आघात है। देश को रुलाया है, वो भारत रत्न थी, हमारे सबके दिलों में बसती थी। बहुत ही डिस्टर्बिंग न्यूज है, आई एम रियली शैटर्ड। मेरे लिए पर्सनल लॉस है कि लता दीदी हमारे बीच नहीं रही। मैं तो इन शब्दों से उनको याद करना चाहूंगा। हजारों साल नरगिस अपनी बेनोरी पे रोती रही, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। लता मंगेशकर जी के निधन पर मैं अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।